नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। बहुत से किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे थे, सर आप पेंडा मिल पर एक वीडियो बनाइए। देखिए, यह प्रोडक्ट आता है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि आपके सामने है। ये देखिए आप, क्योंकि शाम से आ रहा है पेंडा। बहुत ही प्रचलित प्रोडक्ट है और बहुत से किसान भाई इसका लगातार इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी आपको बताएंगे और किन किन फसलों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा आप इस्तेमाल करने से पहले लेबल को और लीफलेट को अवश्य पढ़िए, फिर इस्तेमाल करिए और जानेंगे इसका इस्तेमाल किन किन फसलों में कर रहे हैं और क्या क्या हमें बेनिफिट मिल रहे हैं और कितनी मात्राओं में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन आता है पेंडीमेथिलीन 30% इसी फॉर्म में, जो कि आपके सामने है। ये देखिए आप, जो कि एक प्री इमरजेंस प्रोडक्ट है, यानी कि जो फसल की हम बुवाई करते हैं, फसल की बुवाई के साथ ही इस खरपतवार नाशक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो खरपतवार होती है वह उगती ही नहीं है, शुरुआती अवस्था में बिल्कुल भी नहीं उगती है। और देखिए, खरपतवार में भी 80 से 90% खरपतवार पर इसका पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। ओके, अब बात करते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन सी खरपतवार नहीं उगती है। देखिए, सावा हो गया, भट्टाचारा हो गया, मकड़ा घास हो गया, इटालियन राई घास हो गई, जंगली जवार हो गई, बोकना हो गया, बोकनी हो गई, छोटी दुधी हो गई, बड़ी दुधी हो गई, गाजर घास हो गई, छील हो गई, यानी कि लगभग लगभग सभी प्रकार की जो खरपतवार है, सकड़ी पत्ती की और चौड़ी पत्ती की खरपतवार को यह उगने ही नहीं देता है। किंतु यदि कोई खरपतवार उग गई है तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि यह खरपतवार नहीं उगती है उससे पहले ही हम इसका इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस किस क्रॉप में कर सकते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल रबी और खरीफ दोनों सीजन में करते हैं। और खरीफ की सीजन की बात करते हैं तो सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, इसके अंदर मेजोरिटी से मूंग उड़द के अंदर हम मेजोरिटी से इस्तेमाल करते हैं। और रबी की फसल के अंदर बात करते हैं लहसुन, सरसों, चना, इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि वेजिटेबल्स क्रॉप में भी क्या इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, वेजिटेबल्स क्रॉप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किन किन क्रॉप के अंदर किया जा रहा है, देखिए आप बैंगन के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत से किसान भाई, और मैंने खुद टमाटर मिर्ची के अंदर इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लहसुन के अंदर आप करते हो, इसके बहुत लंबे रिजल्ट दिखाई देंगे, यानी कि खरपतवार जो टाइम ड्यूरेशन है 40 दिन तक आपको खरपतवार उगती हुई नजर नहीं आएगी। और आप लौकी, करेला, तरोई, इनके अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी कितनी मात्रा का हमें इस्तेमाल रखना है और स्प्रे करने के पश्चात हमें क्या सावधानी रखनी है। देखिए, मात्रा की बात करते हैं तो इसकी मात्रा 100 ml प्रति 15 लीटर पंप हमें इसकी मात्रा रखनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जिस एरिया में, जिस खेत के अंदर हमने मिट्टी में स्प्रे किया है उसमें हमें क्या सावधानी रखनी है। देखिए, जिन खेत में हमने स्प्रे कर दिया है हमें उस मिट्टी से ऊपर से गुजर के नहीं निकलना है, और पशु यदि आप निकलते हो और कोई वस्तु या पशु भी उसके ऊपर से निकलता है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो टेक्निकल्स होते हैं कि मिट्टी के ऊपर एक परत जमाते हैं, यदि वो परत टूट जाती है तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ पर जो खरपतवार का जो बीज पड़ा है वो अंकुरित हो जाता है ऐसी कंडीशंस में। एक तो ये कंडीशंस हो गई, और सेकेंड कंडीशन जब तेज गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी के अंदर हाई टेम्परेचर में भी क्या होता है, जो परत होती है वह परत टूट जाती है, इस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि खरपतवार टूट जाती है। ओके, यदि आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है या किसी अन्य प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है अन्य कंपनी का, तो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं किस कंपनी का किया है, आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं और आपने किस फसल के अंदर किया है, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इससे फायदा हो सके। और आप किस शहर से हो वह भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।